हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो आर्ट। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था पूरा डिटेल से कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है एयरमैन भर्ती परीक्षा का, ठीक है, जिसकी आज 1 तारीख है। आज से इसके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं भरने। तो आप देर मत करिए, भर दीजिए। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 जुलाई। उसके पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो सिलेबस। जब तक आपको नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। हम लोग ऐसे ही बस, जैसे सिलेबस की बात आती है ना, तो लोग बोलेंगे कि यार उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, ये आएगी, वो आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रीजनिंग में क्या आएगा, कि क्या पूरी की पूरी रीजनिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको रिटेल सिलेबस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाई ग्रुप के लिए, यानी कि एयरमैन भर्ती परीक्षा में मैंने बताया था एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है। तो ये वीडियो स्पेशली वाई ग्रुप के लिए है कि वाई ग्रुप का सिलेबस क्या होगा, डिटेल सिलेबस में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। वैसे इसके लास्ट वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, फेज़ वन की बात कर रहा हूँ मैं, तो फेज़ वन का एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 45 मिनट्स का। इस 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस 50 क्वेश्चन होंगे, इन 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आएंगे इंग्लिश के, ओके, और जो बाकी 30 क्वेश्चन बचे वो आएंगे रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, जिसको एयरफोर्स ने RAGA करके शॉर्ट फॉर्म में बोला है। तो 20 और 30 आपके हो गए मिलके 50। अब हम बात करते हैं इन 50 क्वेश्चन में कि आगे कैसे इनका ये डिवाइड होंगे। तो अब इंग्लिश से शुरू स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश को हम 3 भागों में हमने बांटा है। पहले भाग में हमने बात की है कंप्रिहेंशंस की, ग्रामर एंड वोकेबुलरी। तो 3 चीज़ों से मिलके ये इंग्लिश बनी हुई है। तो जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 3 चीज़ों से आएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कंप्रिहेंशंस की। तो कंप्रिहेंशंस में एक पैसेज होगी दोस्तों, एक पैसेज आएगी, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन इसी से तो आएंगे नहीं। तो एक पैसेज आएगी, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे उसके उसी से रिलेटेड, तो वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो मैंने पहले ही बताया था इस चैनल पे आपके इंग्लिश की सारी तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोगों उन लोगों से भी मेरी विनती है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का, जो एलिजिबल नहीं है, तो काइंडली शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ओके। तो हम बात कर रहे हैं पैसेज की। तो एक पैसेज आएगी, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। अब ग्रामर में क्या आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है। यहाँ से आप अच्छे नंबर फेच कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ग्रामर का। तो ग्रामर में आएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, वो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आप नाउन से स्टार्ट करोगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। यहाँ से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल्स आती हैं, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, इसके अलावा डिटर्मिनर्स भी आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं इसको, वहाँ से प्रश्न आएंगे, वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूज। एक कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें कोई वर्ब आएगी, ये उसमें सही गलत इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी एग्जैक्ट वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए होंगे आपके पास, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े होंगे, ये सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि वैसे जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल तक का ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो 12th लेवल की भी आएंगी। लेकिन अगर आपकी 10th लेवल की इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप 100% यहाँ पर पास हो जाओगे। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर मिल भी सकते हैं और नहीं मिल सकते हैं, बस सकते डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है इसमें। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, एक इंग्लिश की बुक आती है AK ठाकुर की, लूसेंट पब्लिकेशन की, वहाँ से अगर आपने उसके 60 से 70% वन वर्ड भी याद अगर आपने मगअप कर रखे हैं, तो 100% वहाँ से आपको एक मिल जाएगा और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड, हाँ स्पेलिंग एरर्स में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को कि, तो इसमें आप देखो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की बात हो गई, इसमें
लोगों को लगता है कि ऐसे में कितने पढ़ूँ, कहाँ पता नहीं कहाँ से आ जाए, उनकी बात सही है, लेकिन जो बुक्स में दिए हुए हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जो रिपीट होते हैं पिछले कई सालों के अरिहंत के भी मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है, उनसे अगर आप सॉल्व करोगे और अगर उतने ही आपने पढ़ लिए तो 100% आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की, जिसको RAGA के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 30 क्वेश्चन निकल के आएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो गए आपके सिलेक्शन और होने में और ना होने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की होगी रीजनिंग, जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ होंगी, जैसा कि आपने देखा होगा सीरीज़ आती हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा कि राम बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, तो उसकी डायरेक्शन बताओ, ऐसे प्रश्न जो होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट्स, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, आपने देखे होंगे साइन ऐसे उल्टा सीधा बने होते हैं, इसमें कौन सा फिट होगा वो करके। ह्यूमन रिलेशन, श्याम श्याम राम की माँ है, माँ तो उसका आपने पढ़े होंगे, वो ह्यूमन रिलेशन से जाने जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम। तो आप जब कोई बुक लोगे, मेरा कहने का मतलब है, डिटेल में बताने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बुक लोगे तो आप मान लो आपने ये रीजनिंग की कोई एक बुक उठा ली, तो आपको देखना होगा कि ये सारे चीज़ें उसमें हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी से भी ये क्वेश्चन बना के दे देंगे वो, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि मैंने जो बुक में जो पढ़ रहा हूँ तो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भी अच्छी रीजनिंग की बुक है तो 100% वो सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक की। मैंने इसी को रीजनिंग के ही पोर्शन में इसको भी रखा है, क्योंकि ऐसा ही सिलेबस में दिया हुआ है। रीजनिंग को मैंने थोड़ा सा अलग किया हुआ है। अर्थमेटिक है अंकगणित में प्रश्न पूछे जाएंगे, रेशियो, अनुपात, समानुपात, औसत, लघुत्तम, महत्तम, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए भी कोई अगर अच्छी बुक है आपके पास, जैसे RS अग्रवाल की, तो कोई भी अच्छी बुक है तो वो आपको यहाँ पे आपको नंबर दिला सकती है। हालांकि इतनी मोटी बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे टाइम कम है, आपको 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश में आप सेव कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपको, अगर इंग्लिश में आपने टाइम सेव कर लिया तो मेरे हिसाब से आपको एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट ही मिलने वाला है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम ही बचाना है, तो आपको कुछ ट्रिक्स भी, जैसा कि आजकल कोचिंग्स में भी सिखाया जाता है कुछ ट्रिक्स, तो वो ट्रिक्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। सत्येंद्र कुमार की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें ट्रिक्स काफ़ी रहती हैं। तो एक चीज़ मैं भी आपसे आग्रह करूँगा कि टोटली इसमें ट्रिक्स पे ही डिपेंड नहीं रहना, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स ट्रिक्स हमको याद नहीं रहती और हम कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है, टाइम होते हुए भी। तो पूरा हमें डिपेंड नहीं होना है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपका पूछा जाएगा जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अवेयरनेस, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। जनरल साइंस तो सबको पता है, सामान्य विज्ञान, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, कौन सी बीमारी, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा लूसेंट की बुक से उठा के ये पूरे सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर ये लूसेंट की बुक है जो जनरल अवेयरनेस की, GK की जो बुक, उससे हम पूरे के पूरे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सिविक्स में, सिविक्स यहाँ पे बड़ा टॉपिक हो जाता है, नागरिक शास्त्र, हालांकि इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन नागरिक शास्त्र जैसे ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें आपके आपको जो भारत का संविधान है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न होते हैं। अगर इनकी वेबसाइट में आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे सिंपल प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें ऑलरेडी हमारे संविधान के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें। भूगोल में करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स पे काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे और आप कर सकते हो उनको। हिस्ट्री, हिस्ट्री देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से भी आपको उतने डीप में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप लोग इतना डीप में जाएँ, बट आपको एटलीस्ट लूसेंट का एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा, लूसेंट की जो GK की बुक है उसको एक बार ज़रूर देख के जाएँ। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन सबको पता है आजकल,
लेकिन तभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हम डेली काम करते हैं लेकिन नहीं पता होता। जैसे आपका पूछ लिया जाए पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पता है पीडीएफ क्या है बट यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ द पीडीएफ, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस। अगर आपने सिलेबस की तैयारी पूरी तरीके से पहले आपने देख लिया है कि मेरा सिलेबस क्या है, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, हार्डली 3 महीने का टाइम है, आपका करियर बना सकता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।